इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी निकालना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो आप एक मैग्नेटिक डायपोल लो, ये देखो साउथ नॉर्थ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2L। तो आप इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से डी डिस्टेंस दूर क्या निकालना चाहते हो, बी निकालना चाहते हो। जहां आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर टेस्ट पोल इमेजिन करो नॉर्थ, जिसकी पोल स्ट्रेंथ है 1। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो बी वन बी टू आ गया, अब बी वन बी टू आ गया, ये थीटा 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 सेम होता है। तो बी वन के तो कॉम्पोनेंट है बी वन कॉस बी वन साइन, बी टू के तो कॉम्पोनेंट है बी टू कॉस बी टू साइन, साइन साइन कॉम्पोनेंट कैंसल, तो क्या आएगा टू बी कॉस थीटा, क्योंकि बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अब बी वन बी टू होगा क्या, इसने यहां पर बी कितना लगाया म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ है एम डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये देखो। तो बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बी वन बी टू आ गया। अब टोटल बी क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, ये ना, तो यानी कि 2 × μ0/4π, बी की वैल्यू तो मेरे पास है इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा आप निकाल लेना स्मॉल एल डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये ना, मल्टीप्लाई करना ये वैल्यू आएगी। स्मॉल एम इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पे बिल्कुल सेम था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी बी का सेम फॉर्मूला है, और उसमें पी होता था इसमें ई होता था, सेम है। और शॉर्ट डायपोल के लिए एल को, इसको निगलेक्ट करते थे एल को, तो आंसर ये आता था, याद करो पी बाय आर क्यूब, इसमें एम बाय आर क्यूब। और ये सेम रिजल्ट है जो एक्सियल लाइन है उसे इक्वेटोरियल का रिजल्ट हाफ होता है, टू नहीं है। तो शॉर्टकट ये फॉर्मूला भी, फॉर्मूला जिस पर भी नोट हो जाएगा इक्वेटोरियल का। तो मतलब अगर ऑब्जेक्टिव मान लो इक्वेटोरियल पे आता है, किस पे, मैग्नेटिक पे, तो भी आंसर हो जाएगा, एक्सियल पे आता है तो भी आंसर हो जाएगा। अब उसकी मर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे दे या वो मैग्नेटिक फील्ड पे दे, बात तो एक ही है। और ऐसे ही एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं, आता भी नहीं वैसे, एट एनी पॉइंट वाला, तुम एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन वहीं से उठा लो जो उठाना है, सेम डायग्राम बना दो, सेम डायग्राम में जहां ई वन है वहां बी वन कर दो, ई टू है बी टू कर दो, चेक कर लो आंसर भी एग्जैक्टली सेम है, वहां पी की जगह एम कर देना, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है।